गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा उन 7 साइंस के बारे में या उन लक्षणों के बारे में जिसके चलते आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या पेट के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ती है। आज मैं उन 7 साइंस की बात करूंगा कि आप अगर ये हैं तो वास्तव में आपको पेट के एक डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे GIT की जो हेल्थ है वो डिटोरेट तो हुई है, और जहां तक GIT या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो हेल्थ है वो बहुत क्रूशियल है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। लेकिन पास्ट अबाउट 2-3 डिकेड्स इस पर बहुत सारी समस्याएं पैदा तो हुई हैं। जो पैदा हुई हैं प्रॉब्लम्स वो इसलिए हुई हैं कि लाइफस्टाइल चेंज बहुत ज्यादा हो गए हैं, दैट्स नंबर 1। आपको जो फूड चॉइसेस चेंज हुई हैं, दैट्स नंबर 2। तो लाइफस्टाइल और फूड चॉइसेस इनके चेंज होने के चलते पिछले 30 सालों में जो GI की प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा एनहांस हुई हैं। अगर हम रीजंस को ध्यान से देखें तो आपकी जो डाइट है उसमें धीरे धीरे जो फाइबर है उसके अमाउंट कम हुई है, दैट्स ए वेरी कॉमन रीजन। आपके जो एक्सरसाइज है वो धीरे धीरे कम हुई है, वो धीरे धीरे कम होने के चलते दैट्स ए कॉमन रीजन। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी, इसका लेवल बढ़ा है। जो स्ट्रेस इन एंजाइटी है उसका असर डाइजेस्टिव सिस्टम पर आया है, दैट इज अनदर रीजन। द फोर्थ इज दैट दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए आप बहुत सारी मेडिसिन यूज करते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, हार्ट डिजीज की हो, डायबिटीज की हो, ये जो सब मेडिसिन हैं ये भी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उस पर एक इफेक्ट, साइड इफेक्ट लेके चलती है, उसके चलते प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे सामने आते हैं जो अगर आप नजरअंदाज करें तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज मैं 7 सिम्टम साइन के बारे में बात करूंगा जो अगर आते हैं और आपको रेगुलरली परेशान कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नंबर 1 इज द कॉन्स्टिपेशन, दैट्स द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। जो इनफ्रीक्वेंट जो बावल मूवमेंट्स होते हैं या लेटिन को पास करने में जो डिफिकल्टी होती है, अगर ये दोनों चीजें हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में आती हैं। ये कुछ तरह की प्रॉब्लम है जिसके चलते लोग सबसे ज्यादा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं। ये जो जितनी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है अगर हम ध्यान से देखें तो आपके अनहेल्दी फूड हैबिट्स हैं उनके चलते होती हैं। आपके जो डाइट है उसमें अगर फाइबर कम होता है उसके चलते होती हैं। अगर आपका फ्लूड इंटेक कम होता है उसके चलते होती है। लेकिन बहुत सारी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं अपने आप ठीक हो जाती हैं, या आप अगर डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ाएंगे या फाइबर सप्लीमेंट कुछ लेंगे उसके चलते ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर ये नहीं रिजॉल्व हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई अलार्म सिम्टम दिखाई देते हैं कॉन्स्टिपेशन के साथ, अगर आपको लेटरिन में ब्लड आता है या डार्क कलर स्टूल आता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ बहुत ज्यादा पेट में दर्द आता है, सडन सीवियर पेन आता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ वॉमिटिंग हो जाती है जिसमें पित्त भी आता है या लेटरिन जैसी बदबू भी आती है, या आपको बिल्कुल ही लेटरिन होना बंद हो गई, हवा पास होना भी बंद हो गई जिसे फीकल इंफेक्शन कहते हैं, या लेटरिन होने की संख्या बहुत ही कम हो गई है, ये अलार्म सिम्टम की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करने की जरूरत है। नंबर 2 इज द डायरिया। डायरिया बेसिकली इज द लूज वाटरी स्टूल जो फ्रीक्वेंट बाबल मूवमेंट कराते हैं। द मोस्ट कॉमन रीजंस यही है कि बैक्टीरिया करेंगे, वायरसेस करेंगे, कभी कभी अमीबा भी इस तरह की प्रॉब्लम करते हैं। डायरिया के साथ कभी कभी नौशिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, ब्लोटिंग की फीलिंग आ सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो डायरिया होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, बहुत बार होम रेमेडीज से ठीक हो जाता है, और अधिकांश टाइम शॉर्ट कोर्स आप जो ट्रीटमेंट लेते हैं उससे ठीक हो जाता है। लेकिन इन अलार्म सिम्टम्स को आप ध्यान से देखिए, अगर लेटरिन में ब्लड आ रहा है ये अलार्म सिम्टम है, अगर पेट में बहुत ज्यादा दर्द, मरोड़े, ऐंठन आ रही है ये अलार्म सिम्टम है, अगर आपको लूज मोशन के साथ लगातार फीवर परसिस्ट कर रहा है तो ये अलार्म सिम्टम है, अगर आपको लूज मोशन के साथ लेटरिन में ब्लीडिंग हो रही है अलार्म सिम्टम है, और अगर आपको लूज मोशन लंबे समय से चल रहे हैं और आपका सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो गया है ये अलार्म सिम्टम है। अगर ये डायरिया के साथ ये 5 अलार्म सिम्टम भी हैं तो आपको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत है। नंबर 3 इज द हार्ट बर्न।
जो यहां पर सीने में जलन होती है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम. इट्स ए वेरी डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम बट इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम. ये कुछ मिनट रह सकती है, ये कुछ घंटे रह सकती है. जो हार्ट बर्न है उसके साथ कभी कभी खट्टा पानी आपके गले में मुंह तक आ जाता है. जो हार्ट बर्न होती है एक्चुअली एसिड रिफ्लक्स से रिलेटेड होती है और ये बेसिकली आपके जो फूड आइटम्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, उनके चलते होती है. बहुत महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान होती है. बहुत सारी मेडिसिन हार्ट बर्न लेके चल सकती हैं. जो हार्ट बर्न है होम रेमेडीज से ठीक हो जाती है, बहुत सारे एंटासिड से ठीक हो जाती है. शॉर्ट कोर्स जो मेडिसिन है वो इसे ठीक कर देती हैं. लेकिन आप हार्ट बर्न के साथ अलार्म सिम्टम को पहचानिए. अगर सीने में जलन है लेकिन खाना खाने में अटकन महसूस हो रही है, सीने में जलन है लेकिन खाना निगलने में आपको दर्द हो रहा है, सीने में जलन है लेकिन उल्टी में कभी आपको रेडनेस या ब्लड दिखाई दिया या आपको खून की कमी हो रही है, सीने में जलन है लेकिन उसके साथ आपका वजन धीरे धीरे कम हो रहा है, सीने में जलन है लेकिन उसके साथ आपको लगातार या बार बार उल्टियां होती हैं, या आपकी फैमिली में किसी को खाने की नली या डाइजेस्टिव सिस्टम में कैंसर जैसी कोई प्रॉब्लम है, अगर ये अलार्म सिम्टम है 5, तो आपको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या पेट के डॉक्टर को जरूर दिखाने की जरूरत है. नंबर 4 पर आता है वेट चेंज. जब मैं वेट चेंज की बात करता हूं तो ज्यादा वेट लॉस की बात करता हूं, वेट गेन भी इसी में इंक्लूडेड है. नाउ इसमें बहुत सारे जो अल्टरेशन है, कभी ऐसा होता है आप अपनी एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, डाइट में रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो आपका वजन कम होने लगता है, लेकिन उसको खुली आंख से देखने की जरूरत है. कुछ माइनर जो फ्लक्चुएशंस हैं वेट में वो होते रहते हैं सवेरे शाम, उनमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपका अनइंटेंशनल जो वेट है वो चेंज हो रहा है 5% ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पास्ट 6 to 12 months, इसका मतलब पिछले 6 से 12 महीने में अगर आपका 5% से ज्यादा वजन कम हो गया है या बढ़ गया है तो आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है. अगर हम वेट लॉस को देखें तो वास्तव में अगर आपका वेट लॉस हुआ और उसके साथ में ये अलार्म सिम्टम है तो जरूर अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं. अगर वेट लॉस के साथ में आपको खून की कमी हो रही है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं. आपको अगर वेट लॉस के साथ रिकरेंट लार्ज अमाउंट वॉमिटिंग होती है ज्यादा ज्यादा मात्रा की, आप अपने डॉक्टर को दिखाएं. अगर आपको वेट लॉस के साथ में कभी उल्टी में ब्लड दिखाई दिया, आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं. अगर आपको वेट लॉस के साथ लगता है कि आपको खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं. और आपको वेट लॉस के साथ पेट में ऐसा लगता है कहीं कोई गांठ जैसी महसूस हो रही है तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाने की जरूरत है. इसका मतलब अगर आपका वजन कम हो रहा है और उसके साथ में 5 ये अलार्म सिम्टम है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है. नंबर 5 पर आता है नौशिया एंड वॉमिटिंग. जो नाशिया एंड वॉमिटिंग का जहां तक सवाल है, इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम जिसके लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को लोग कंसल्ट करते हैं. जब भी इस तरह की नाशिया वॉमिटिंग होती है, रीजन में भी वेरी सिंपल. सिंपल फूड पॉइजनिंग आपको उल्टी और जी मिचलाने की प्रॉब्लम ला सकती है. आपके खाने की थैली में कोई इंफेक्शन है, पर्टिकुलरली स्टमक फ्लू जैसे इंफेक्शन है, उसके चलते उल्टी हो सकती है. बहुत लोगों को मोशन सिकनेस होती है, जब भी बस में ट्रेवल करते हैं तो वॉमिटिंग होती है कभी कभी. लेकिन आंख में अगर कोई रुकावट है, ब्लॉकेज है, तो वो उल्टी जैसा प्रेजेंट करके सामने आ जाती है. कुछ लिवर की प्रॉब्लम्स हैं जैसे सिंपल जॉन्डिस या वायरल हेपेटाइटिस है, वो सिर्फ नौशिया वॉमिटिंग लेके आ सकती है. तो जो नौशिया वॉमिटिंग है एक या दो दिन तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी नौशिया एंड वॉमिटिंग परसिस्ट करती है तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि अगर ये परसिस्ट करेगी तो आपका ओरल इंटेक लगभग बंद हो जाएगा. वो बंद हो जाएगा तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और किडनी को अगर प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो यूरिन का आउटपुट कम होने से आप बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हैं. तो इसलिए नौसिया एंड वॉमिटिंग परसिस्ट करता है अगर 2 से 3 दिन से ज्यादा तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं. नाउ इन अलार्म सिम्टम्स को ध्यान से देखिए. अगर आपको जो वॉमिटिंग हो रही है वो लार्ज अमाउंट की है, इन द सेंस कि आप जो खा रहे हैं वो लार्ज अमाउंट की और स्टिल वॉमिटिंग है, इन द सेंस कि आपने सवेरे नाश्ते में कुछ खाया, दोपहर में भी कुछ खाया, लेकिन रात में आपको वॉमिटिंग हुई तो सवेरे का खाना रात की वॉमिटिंग में निकला, ये स्टेल वॉमिटिंग कहलाती है. तो लार्ज अमाउंट की है और स्टेल वॉमिटिंग है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है. अगर आपको वॉमिटिंग के साथ में लगता है कि पेट में लंप है या कोई गांठ महसूस हो रही है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है. अगर आपको वॉमिटिंग के साथ में लगता है वॉमिटिंग में कभी थोड़ा सा ब्लड दिखाई दिया या रेड टिंज दिखाई दी, आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है. अगर आपको नौशिया एंड वॉमिटिंग के साथ पेट में एक गोला चलता है यहां से वहां, उसमें गलगल की आवाज आती है, इन गैस पास होना अगर बंद हो जा रही है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है. और अगर लगातार नौशिया वॉमिटिंग के चलते आप समझते हैं कि आपका सिग्निफिकेंट वेट लॉस हुआ है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है. तो नौशिया एंड
नाइट वॉमिटिंग इसके साथ अगर ये 5 अलार्म सिम्टम है तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। नंबर 6 पर आता है ब्लड इन द स्टूल, कि लेटरिन में कभी ब्लड दिखाई दिया क्या? इट इज ऑलवेज फ्राइटनिंग। जब ब्लड आप लेटरिन में देखेंगे हमेशा आपको डर लगेगा। कभी कभी ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम के चलते होता है, जैसे पाइल्स या बवासीर, इन फिशर के चलते जो कट्स हो जाते हैं उसके चलते होता है। लेकिन लेटरिन में ब्लड आना कभी कभी सीरियस प्रॉब्लम का इंडिकेशन होता है, इसलिए इस सिम्टम को कभी अंडर एस्टिमेट करने की आदत नहीं डालें। जब भी लेटरिन में ब्लड दिखाई दे आप अपने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को जरूर संपर्क करें। ये जो अलार्म सिम्टम्स हैं इनको ध्यान से देखें। अगर ब्लड आ रहा है साथ में जो लेटरिन है उसमें बहुत दर्द हो रहा है, या लेटरिन के रास्ते में बहुत पेन है, या पेनफुल डिफिकेशन है, ये अलार्म सिम्टम है। अगर आपको लेटरिन में ब्लड आ रहा है साथ में बार बार लेटरिन जाना पड़ रहा है, ये अलार्म सिम्टम है। अगर आपको लगता है ब्लड आ रहा है और ब्लड लेटरिन में मिक्स होकर आ रहा है तो ये अलार्म सिम्टम है। अगर आपको लगता है कि ब्लड आने के अलावा आपका वेट कम हो रहा है, ये अलार्म सिम्टम है। अगर आपको लगता है कि ब्लड आ रहा है इसके अलावा पेट में आपको एक लंप या गांठ जैसी महसूस हो रही है, ये अलार्म सिम्टम है। इन इसके अलावा आपको लगता है लगातार ऐसा लगा रहता है कि लेटरिन लगी है और साथ में लेटरिन में ब्लड भी आ रहा है, ये अलार्म सिम्टम है। तो अगर आपको 6 ऐसे अलार्म सिम्टम दिखाई दें लेटरिन में ब्लड के साथ, आपको अपने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है। नंबर 7 पर आती है जॉन्डिस। अगर हम जॉन्डिस को देखें तो जो येलो आपकी आंख में दिखाई देती है या स्किन में दिखाई देती है येलोनेस, ये जॉन्डिस कहलाती है। जो जॉन्डिस है वो आपके खून के अंदर जो बिलिरुबिन है उसके बढ़ जाने के कारण होती है। ये कहां से होती है? अगर आपके लीवर में कोई डैमेज होगा, बाइल डक्ट में डैमेज होगा तो आपको जॉन्डिस हो जाएगी। नंबर 2, बाइल डक्ट में अगर कोई ब्लॉक होगा, चाहे वो स्टोन के चलते हो, गांठ के चलते हो, तो उसके चलते जॉन्डिस होगी। नंबर 3, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड जो ना ब्रेक डाउन हो जाता है रेड ब्लड सेल्स का, जिसे हिमोलिसिस कहते हैं, उसके चलते भी कभी जॉन्डिस डेवलप हो जाती है। तो जॉन्डिस के ये 3 ही मेन रीजन है जिसके चलते जॉन्डिस आती है। लेकिन आपको इन अलार्म सिम्टम्स को पहचानने की जरूरत है। अगर आंख में पीलापन है लेकिन पेट बहुत बड़ा हो गया क्योंकि पेट में पानी आ गया, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, ये अलार्म सिम्टम है। अगर पीलिया के साथ आपको उल्टी में ब्लड आया या लेटरिन काले रंग की हो गई, ये अलार्म सिम्टम है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर आपको आंख में पीलापन है लेकिन आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा या मेंटल कुछ कंफ्यूजन है, तो आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करिए। अगर आपको जॉन्डिस के साथ ऐसा लगता है कि वेट बहुत तेजी से कम हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। और अगर जॉन्डिस के साथ आपको लगता है कि एरिया में कोई गांठ है या पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है, ये दोनों सिम्टम्स ऐसे हैं जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन मांगते हैं। तो जहां तक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके देयर आर सर्टेन कॉमन साइंस या सिम्टम्स जिनमें कभी अलार्म सिम्टम्स को हमको ध्यान से देखना पड़ता है, कि इन कॉमन साइंस सिम्टम्स के साथ अगर ये अलार्म सिम्टम्स भी आ गए हैं तो आपको अपने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को या पेट के डॉक्टर को जल्दी या तुरंत दिखाने की जरूरत है। तो आपको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को कब कंसल्ट करना चाहिए, किन सिम्टम्स के बेस पर करना चाहिए, उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर बी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।